200 ब्रह्मोस मिसाइल की डील हुई डन। नौसेना के युद्धक जहाजों पर ब्रह्मोस होगी तैनात। जी हाँ, भारत की सबसे ताकतवर सेना और ताकतवर होने जा रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि दुनिया में भारत की सेना ने अपना लोहा मनवाया है और अब तो भारतीय नौसेना को और मजबूत किया जा रहा है, जिसके लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 200 ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद की डील को मंजूरी दे दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो सबसे ताकतवर मिसाइल है, उस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की खरीद भारतीय नौसेना के लिए की जाएगी और ये मिसाइलें भारतीय नौसेना के युद्धक जहाजों पर तैनात की जाएंगी। ये डील 19,000 करोड़ रुपए की है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक के बाद इस सौदे को मंजूरी दे दी गई। कहा जा रहा है कि सौदे पर ब्रह्मोस एरोस्पेस और रक्षा मंत्रालय के बीच मार्च के पहले हफ्ते में हस्ताक्षर हो सकते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस की सरकार की संयुक्त यूनिट है जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है। इन मिसाइलों को सबमरीन, युद्धक जहाजों, एयरक्राफ्ट और जमीन से भी फायर किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय नौसेना का प्रमुख हथियार है जो एंटी शिप और अटैक ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत में ही रूस की मदद से विकसित किया गया है और इसमें कई पार्ट्स भारत में ही बनाए जाते हैं। वही भारत जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को निर्यात करने वाला है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर डील भी हो चुकी है और इसके साथ ही फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को खरीदने वाला पहला विदेशी ग्राहक देश बन गया है। साथ ही दक्षिण एशिया के कई अन्य देशों ने भी ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद में रुचि दिखाई है, यानी दुनिया के कई देश इसे खरीदना चाहते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख अतुल राणे की तरफ से जानकारी दी गई है कि फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा करीब 375 मिलियन डॉलर का होगा। साल 2025 तक हथियारों के निर्यात को 5 अरब डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हथियारों के निर्यात को 5 अरब डॉलर करने का लक्ष्य तय किया है। तय किए गए लक्ष्य को पाने में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की अहम भूमिका रहेगी। ब्रह्मोस मिसाइल के सौदे के बाद भारत में विकसित अन्य हथियारों जैसे आकाश मिसाइल, होविट्जर तोप और अन्य हथियारों के निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। वहीं हथियारों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय अपने हथियारों की हार्डवेयर क्वालिटी को बेहतर करने पर फोकस कर रहा है। साथ ही भारतीय कंपनियों ने विदेशों में भी अपने कार्यालय को खोला है ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। बात अगर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की करें तो दुनिया की सफल मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे तेज सटीक हथियार के रूप में ब्रह्मोस ने 21वीं सदी में भारत को रक्षा क्षेत्र में मजबूत किया है। भारत और रूस की ओर से ब्रह्मोस को संयुक्त रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है और अब इसी ब्रह्मोस की डिमांड दुनिया भर में होने लगी है। खैर, अभी तो भारत 200 ब्रह्मोस मिसाइल को नौसेना के युद्धक जहाजों पर तैनात करने जा रहा है, जिससे आगे आने वाले समय में भारतीय सेना और मजबूत होगी। फिलहाल आपको बता दें कि ब्रह्मोस का नाम भगवान ब्रह्मा के ताकतवर शस्त्र ब्रह्मास्त्र के नाम पर दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर एक ब्रह्मास्त्र भी शत्रु खेमे में छोड़ दिया जाए तो न केवल वह उस खेमे को नष्ट करता है बल्कि उस पूरे क्षेत्र में 12 से भी ज्यादा सालों तक अकाल पड़ा रहता है। और अगर दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा दिए जाएं तब तो मानो प्रलय भी आ जाती है। जिस प्रकार भगवान ब्रह्मा के शस्त्र को हासिल करने के लिए काफी तप करना पड़ा था, ऐसे ही लंबे तप के बाद ही ब्रह्मोस मिसाइल भारत को हासिल हुई। भारत ने इसे हासिल किया और अब ये भारत की शक्ति को दर्शाने के लिए काफी है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।